डॉक्टर महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, जल शक्ति मंत्री। आपकी हालचाल लेने के लिए मैं आया हूँ प्रयागराज। हमारे साथ आदरणीय सांसद डॉक्टर रीता बबुड़ा जोशी भी हैं, तो आपकी तबीयत मैं जानना चाहता हूँ। आपको दवा की किट मिल गई है? क्या क्या दवा है आपने देख लिया है? सारी दवाइयाँ। कब पॉजिटिव हुए थे आप? अभी क्या स्थिति आपकी? नॉर्मल है। आप गर्म पानी लेते हैं? गरारा नमक करते हैं, नमक पानी का गरारा? घर में बाकी सब लोग ठीक हैं? उनको सबको बातचीत किया जाए, और इसीलिए कॉल फिल्टर यहाँ पर बनाया गया है, और प्रयागराज में सब लोग बैठ करके एक एक घर पे बातचीत कर रहे हैं, और मैं भी वही देखने के लिए आया हूँ कि वास्तव में बातचीत हो रही कि नहीं हो रही। तो दवा भी अच्छा, आप इंजीनियर हैं, चलिए बहुत अच्छा। अपने परिवार को बचा के रखिए, अपने को अलग रखिए, जब तक निगेटिव नहीं आ जाते हैं सावधानी बरतिए, ठीक है?
अपना ध्यान रखिए और अच्छे ढंग से। ओके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो लगातार लगे रहे और ठीक होने के बाद गांव में जाकर के खड़े होकर के संवाद करना, हर जिले और कमिश्नरी लेवल पर बैठक करना, हर जिले में नोडल अधिकारी बनाना और उसके बाद जो उन्होंने ट्रेस और ट्रीट का और टेस्ट का जो फार्मूला उन्होंने दिया है उसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नियंत्रण स्थापित करने में कामयाबी हासिल हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण से गरीब जनता के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए और हमारे ऐसे जो पटरी ठेला खिंचा नाई धोबी मोची ऐसे लोग हैं उन गरीबों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी घोषित की गई हैं जिसके माध्यम से आज हम यहां पर आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनको सबको फ्री में 3 महीने का राशन और 1,000 रुपये भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जो काम शुरू हुआ है वो भी बहुत अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ग्लोबल टेंडर करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है। तेजी के साथ इसमें गिरावट भी आई है कोरोना के एक्टिव केस में, जो 30 अप्रैल को केस
3,10,780 आज वो घटकर से 1,02,000 पर पहुंच गया है। लगभग 2,06,000-7,000 केस में घटोतरी आई है और ऐसे ही हमारे प्रयाग में भी तेजी के साथ इसमें घटोतरी आई है। एक्टिव केस कल की तारीख में केवल 7,700 थे उत्तर प्रदेश में और हमारे प्रयागराज में मात्र 108 केस आए हैं। टेस्टिंग भी तेजी के साथ बढ़ी है। भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर 3,07,000 टेस्ट एक दिन में करके रिकॉर्ड बनाया गया। 4,62,00,000 टेस्ट किए गए। 1,63,00,000 टीकाकरण अभी तक हो चुका है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रयास किया है और आज अपने पत्रकार मित्रों के लिए भी उन्होंने कहा है अलग से वैक्सीनेशन का उनके लिए काउंटर खोला जाएगा और उनको प्राथमिकता पे आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी पत्रकार मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं। और इस तरीके से प्रयागराज में बहुत अच्छा कोविड कमांड सेंटर चल रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, अस्पतालों में काम चल रहा है, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, दवाई की कोई कमी नहीं है। निगरानी समितियां पूरी तरीके से काम कर रही हैं और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, जनप्रतिनिधि रात और दिन इसमें लगे हुए हैं और उसी सबका परिणाम है कि आप सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है और तेजी के साथ कोरोना पर नियंत्रण स्थापित। थर्ड वेव पर जो आप बातचीत कर रहे हैं उसके लिए सभी जिलों में 50-50 बेड का ICU बनाने की बातचीत कही गई है। बच्चों के जैसा कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चों को प्रभावित करेगा, उसकी तैयारी अभी से उत्तर प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है और जो ब्लैक फंगस की बीमारी थी उसको महामारी घोषित किया है, उसके भी इलाज की पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में व्यवस्था हो रही है। तो दूसरे लहर पर हम लोग नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं और तीसरे लहर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है, आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।